भाई सभी साथियों को रसिकारा की तरफ से राम राम। ये पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है, हाल फिलहाल रैली के स्थान पर खड़े हैं, रैली की जगह पर खड़े हैं। और ये रैली का स्थान, ये तो है मुहाना टोल। मुहाना टोल के अंदर ये मंडी है, मंडी के अंदर ये अपना पंडाल यहाँ पर लगाया जा रहा है। कल यानी कि आने वाली 3 तारीख को दोपहर के 12 बजे सभी साथी अपना समय निकालकर अपने गाड़ी घोड़े लेकर यहाँ पर जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, क्योंकि हरियाणा की ये सबसे विशाल रैली होगी और आप इसके साक्षी होंगे। यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल यहाँ पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से दोपहर के 1 बजे पहुँच लेंगे। आप सभी साथियों से एक विनती है, मैं राजस्थान में जितने बार भी गया हूँ, राजस्थान वाले मेरे साथियों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, हम ये चाहते हैं उस प्यार प्रेम को दुगुना करके हनुमान जी को दिखाएं। और साथ में आप लोगों को बता देता हूँ, दूर दराज से मेरे जितने साथी जितने मित्र प्यारे जो आज तक जुड़ रहे, कभी इस चीज़ का इंतजार करते हो कि मैं आप लोगों के पास फोन करूँ, आप फोन करने के बाद ही आप यहाँ पहुँच पाओगे। भाईचारा वही होता है मेरे भाई, जो अपने आप पहुँच कर अपने कार्य में शामिल हो। ये एक हरियाणा को बदलने की रैली है, एक नई सोच पैदा करने को लेकर रैली है। और आप सभी साथियों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, कल राहुल गांधी जी की रैली थी, मात्र 2000 आदमी थे, यानी कि एक इतना बड़ा प्रधानमंत्री का चेहरा और उसकी रैली में 2000 आदमी आते थे, कहीं ना कहीं गोवाना की जनता बदलाव चाहती है। इससे पहले प्रधानमंत्री की रैली थी मोदी साहब की, वो भी फ्लोप हो गई थी, फैल हो गई थी। ये बात आती है आप लोग अपनी ताकत कैसे उपस्थित दर्ज कराते हो। और आप सभी साथियों को बता देता हूँ, कल की रैली देखने लायक होगी, ऐसा मेला देखा नहीं होगा, वो भी बिना किसी बड़े राजघराने से हम आते हैं, और ना ही हमारी कोई इतना फैमिली बैकग्राउंड है कि धन दौलत से काफ़ी मजबूत हैं, ये गरीब परिवार से उठ काक संघर्ष की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। ये आखिरी लड़ाई है, कल अंतिम दौर है चुनाव का, कल के बाद शाम के 5 बजे से 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो आप सभी साथियों से मेरी इतनी ही गुजारिश है, थारा भाई थारे हक के लिए लड़न लाग रहा है, अपने भाई के लिए जितना भी हो सके वो समय निकाल कर जरूर पहुँचे। और 12 का मतलब 12 ही है, क्योंकि 1 बजे की परमिशन है हेलीकॉप्टर की, 1 बजे हेलीकॉप्टर लैंड हो जाएगा नेताजी का, और नेताजी हमारे बीच में जो रहेंगे 1 घंटे तक रहेंगे, तो वो अपनी जनसभा को संबोधित करके निकल जाएंगे। इसीलिए आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ, समय पर पहुँच के प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं, कदे अपने भाई का नाक कटवा दो, ऐसा होना चाहिए। हरियाणा का आज से सबसे बड़ा प्रोग्राम अगर कहीं हो गया है तो एक गरीब परिवार के बेटों ने मिलजुल के किया है, ये संदेश आप सबको देना। एड्रेस जो है, एड्रेस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सोनीपत की तरफ से आओगे तो 12-13 किलोमीटर आगे चल के ये मुहाना टोल आएगा, इस टोली के ऊपर ये जगह है। अगर आप गोवाना की तरफ से आओगे तो गोवाना से आप मान के चलो लगभग 20 किलोमीटर दूर मुहाना आएगा। मेन रोड के ऊपर ये रैली का स्थान है, रैली का जो स्थान है गोवाना, ये मुहाना की मंडी है, मुहाना की मंडी के अंदर जो रैली होगी, जनसभा होगी, उसके अंदर मैं ये चाहता हूँ जितने भी मेरे साथी हैं वो अपना इस लड़ाई में, इस लड़ाई को अपनी समझ कर अपनी संपूर्ण ताकत लगाने की कोशिश करना, क्योंकि चुनाव का अंतिम पड़ाव यानी कि कल फाइनल मैच है एक तरफ से, और फाइनल मैच ही चुनाव की दिशा निर्देश साबित करा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कार्यकर्ताओं ने खूब जोर लगाने के बाद भी वे जनता जोड़ने में विफल हुए, लोगों के दिलों में वे जगह नहीं बना पा रहे हैं, पैसों से अपनी भीड़ इकट्ठी करते हैं, पैसों के दम पर ही वे अपनी दोस्त जमा रहे हैं। हमें उन पैसों वालों की दोस्त का कल मुंह तोड़ के जवाब देना कि गरीब परिवार के बेटे अगर जागते हैं, जागृति लाते हैं, तो वो इस भ्रष्ट राजनीति को बदल सकते हैं, बदलना चाहते हैं। आप सभी मेरी पहली और आखिरी उम्मीद हो, आप ही मेरी टिकट हो, आप ही मेरी ताकत हो। अब आप लोग जानो भाई अपने भाई ने कहाँ तक लेकर जाओगे, ये वादा है आप लोगों से। आने वाले कल जो रैली होगी उसमें आप लोग अपनी ताकत अगर दिखा देते हो तो आने वाले वक्त में गोवाना और हरियाणा की राजनीति में एक नया बदलाव करने का काम आपका बेटा आपका भाई करेगा। आप सभी साथियों को एक बात और बता देता हूँ, संपूर्ण ज़्यादातर हरियाणवी कलाकार जो मेरे साथी हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और समय तक पहुँच जाना अपना प्रोग्राम समझ के। देख लो मैं खुद टेंट लगवाने लग रहा हूँ, कुर्सी बिछवाण लग रहा हूँ स्वयं, यानी कि हम नेता नहीं भाई, वे गरीब के बेटे हैं,
संघर्ष हमारा जारी है। जो काम मारता सौंपा जाऊ काम ना अपना समझ कर करने की कोशिश करना। और रैली के अंदर जब तक कोई नहीं जाएगा जब तक रैली का समापन नहीं होगा, गर्मी पड़ती हो, आग पड़ती हो, चौड़े पड़ते हो, अपना भाई मानो हो, तो इतनी शांति जरूर बनाए रखना। आप सभी का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। कल